तो अमी जी, डैंड्रफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम आप सबको, मतलब लोगों के कंधे पे यहाँ डैंड्रफ दिखाई देता है, बालों में रूसी दिखाई देती है, सर्दियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स और हो जाती है। इससे क्या, कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए कुछ नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जी कि आप अपने घर पे ही कर लोगे और आपके डैंड्रफ भी दूर हो जाएंगे। आप बेकिंग सोडा लें, बेकिंग सोडा मीठे सोडे को बोलते हैं। जब कभी आप छोले बनाते हो, राजमा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं उसमें, तो उससे क्या वो जल्दी बन जाते हैं। इसी तो बेकिंग सोडा नेचुरल चीज़ है। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें, मान लो कि एक चम्मच के बराबर लें, और उसमें लगभग एक चम्मच दो चम्मच के करीब पानी मिला लें और उसको कटोरी में घोल लें। एक कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा लिया या डेढ़ चम्मच ले लिया, जितना आपको लगे कि मेरे बालों के लिए काफ़ी है उतना लें। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, इतना पेस्ट सा बन जाए कि जैसे घोल सा बन जाए, जो शैम्पू की तरह सिर में लग जाए। उसको सिर में जड़ों में लगा के ना हल्के 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 जैसे रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, ऐसे सिर के स्कैल्प पे, जो सिर की चमड़ी है, उसके ऊपर मालिश करनी है आपने, मसाज करनी है। तो उस पर मसाज करने के बाद लगभग एक डेढ़ दो मिनट तक रुक जाएँ, और उसके बाद अपना बालों को पानी से धो दें, आपके सारे डैंड्रफ बाहर निकल जाएंगे। और आप इसको कभी कभी हफ्ते में एक बार कर लिया करना। उसके बाद आप कोई भी नेचुरल तेल, नेचुरल तेल का मतलब हुआ जैसे नारियल का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, इस तरह का तेल लगाया करो। लोग क्या करते हैं, केमिकल वाले तेल यूज़ करते हैं, जो बाज़ार में खुशबू वाले तेल मिल रहे हैं, ये हैं, हल्का है, इसमें प्रोटीन है, इसमें पता नहीं क्या डाला है। कुछ नहीं डाला हुआ है, सब उन्होंने अपना धंधा है पैसे कमाने के लिए किया हुआ है। आप सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो करें। आप बेकिंग सोडा से बाल हफ्ते में एक बार धो लिया करें, आपके सारे डैंड्रफ बाहर निकल जाएंगे। और नेचुरल तेल जैसे नारियल का हो, सरसों का, कोई भी तेल अगर आप लगाना चाहते हो तो वो लगा लिया करो, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपके बाल खिलखिला उठेंगे, डैंड्रफ फिर पैदा होना ही बंद हो जाएंगे धीरे धीरे।